हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल थंडर क्रैक में स्वागत है। हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी धनराशि में 1 करोड़ रुपए जीतता है, यानी कौन बनेगा करोड़पति में, तो कम से कम उसे कितना टैक्स देना होता है, क्या आप जानते थे इससे पहले? अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपको बताने वाले हैं कि उस पे कितना परसेंट टैक्स लगता है और उसके खाते में यानी उसके हिस्से में कितना पैसा आएगा। जब कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए का इनाम में जीतता है तो उसके ऊपर 30% का टैक्स लगता है, यानी हम उसे इनकम के रूप में बोल सकते हैं, और 30% पर ही उसके ऊपर सरप्लस टैक्स लगता है, यानी सरचार्ज टैक्स लगता है 10%, यानी 3 लाख रुपए 30 लाख रुपए पर लगेगा, और 30 लाख रुपए पे ही यानी 30% उस पे 4% का सेस टैक्स लगेगा। तो टोटल मिलाकर हम देखते हैं तो 30 लाख प्लस 3 प्लस 1.2 लाख यानी 34.2 लाख रुपए उसको सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा, तब जाके उसके अकाउंट में 65 लाख रुपए के करीब आएंगे। तो राशि तो इंसान ने कितनी मेहनत करके जीती, पर खाते में सब सरकार के चला जाता है। 30% कम नहीं होता, बहुत होता है, यानी 35 लाख रुपए मोटा मोटा अगर हम बात करें तो सीधा का सीधा सरकार के खाते में जाता है, और 65 लाख रुपए सिर्फ उसे इनाम के रूप में दिए जाते हैं। ये थी आज की जानकारी। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के बाद हम आपको एक नए टॉपिक पर नया ज्ञान बांटेंगे। थैंक यू।